करे। तो इसके पहले का जो श्लोक है श्लोक संख्या 18, उसमें वो छोटा पर्पट है इसलिए मैं उन्हें लिया, तो 18 पद पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ष सहस्त्र में विषयान सेव सेवतोस्कृत असत्कृत तथापि चांश समनम तृष्णा देशु बजायते। मैंने इंद्रियों के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए और फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य बढ़ती जाती है। तात्पर्य, महाराज जाति अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर बताते हैं कि वृद्धावस्था में भी विषय वासना कितनी प्रबल होती है। तो कृष्ण भावना भावित होने के लिए सब आश्रम मौजूद है, कोई किसी भी आश्रम में कृष्ण भावना भावित बन सकता है। ऐसा बात नहीं है केवल संन्यास लेगा तभी कृष्ण भावना भावित बन सकता है या ब्रह्मचारी रहेगा तभी बन सकता है इत्यादि इत्यादि, ये केवल मानसिक भ्रम है। आप लोग कहते हैं गृह थाको बने थाको सदा हरि बने रहो, चाहे ब्रह्मचारी रहो चाहे ग्रस्त रहो चाहे वानप्रस्थ रहो कोई भी रहो, मेन ऑब्जेक्ट नहीं भूलना चाहिए और मेन ऑब्जेक्ट है हरि बने रहो, भगवान का नाम लेना नहीं भूलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे सस्त हैं, लेकिन है इस भौतिक संसार में। कहा जाता है एक्सटेंट कैन टेक प्लेस इन अ रॉयल रोड, जो रॉयल रोड है राजा का रोड है फर्स्ट क्लास का रोड बना होता है पार्लियामेंट का और इसका नाम राष्ट्रपति भवन का रास्ता देखो इतना चौड़ा साफ सुथरा बिल्कुल, ज्यादा गाड़ियां वहां नहीं आती लेकिन उधर भी एक्सीडेंट रहता है, वो प्लेन के रनवे पर भी एक्सीडेंट रहता है। तो एक्सीडेंट कहीं हो सकता है भौतिक संसार में, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो चाहे सन्यासी, ये नहीं सोचा है ब्रह्मचारी मैं बन गया तो अब माया मुझे नहीं पकड़ी या मैं शादी कर लिया हूं पत्नी है तब मुझे माया नहीं पकड़ेगी, या मैं वानप्रस्थी हूं तब छोड़ दिया या संन्यास ले लिया, माया कभी किसी को पकड़ सकती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, माया किसी रूप में आ सकती है। पहले तो बड़े अच्छाई के रूप में आती है, बड़ा अच्छा लगता है अच्छाई के रूप में आती है, लेकिन जो अलर्ट रहता है वो समझ जाता है। जैसे माया देवी हरिदास ठाकुर के पास आई थी लेकिन वे अलर्ट थे तो समझ गए थे, वो जा सकते थे प्रथम दिन ही लेकिन वो उसका उद्धार करना चाहते थे। तो वो तो हरिदास ठाकुर थे जो उसका उद्धार करने के लिए दूर गए, हम हरिदास ठाकुर नहीं। हमारे मन में कभी माया अट्रैक्शन आ जाए स्त्री के प्रति धन इत्यादि के प्रति तो उसका उद्धार करने के लिए रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा उद्धार कर देंगे माया देवी। इसलिए सदा हरि बोले डाको, नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भगवान का नाम ही है जो माया से उनका रक्षा कर सकता है। इन्हीं से औषधि माया नासी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लो तुम मांगे। भगवान चेतन महाप्रभु माया को खत्म करने के लिए माया नाशक जैसे कीटनाशक दवा होता है, ये माया नाशक दवा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
भोग से समाधि को मैं नाम बताया थोड़े संभोग से समाधि ये कलयुग के एक सो काल आचार्य है और ये महाराजा जाति सतयुग के आचार्य है। वो अपना रियलाइजेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ष सहस्त्रम में विषया सेवो तो असमकृत, मैं हजारों साल तक इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास किया। अरे बुढ़ापा आ गया तो वन में जाने के बजाय अपने बेटे का जवानी लेकर के मैं इंद्रियों को तृप्त किया, तथापि इतना होने के बाद भी अनुसौनम चौनुसौनम तृष्णा, वो शांत नहीं हुई बल्कि वो तृष्णा बढ़ती ही गई। आग जल रहा है उसमें कोई सूखा घास डाले तो सूखा घास से आग शांत नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही जाएगा। तो भोग से इंद्रियों को तृप्त करने की भावना से हम इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते, ये माया है। सोचना माया लेकिन ऐसे ही सोचाती है, ऐसे ही बुद्धि देती है। तेसु को जाए तृष्णा तेसु को जाए, इंद्रियों में तृष्णा बढ़ती ही जाती है। हो गया बात, हो गया। तो तृष्णा खत्म नहीं होती है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, मरती दम तक तृष्णा रखती है। और एक उदाहरण दिए हैं, हॉस्पिटल में एक आदमी वो डेथ बेड पर पड़ा हुआ था, आई थिंक ये अकबर और बीरबल का कथा है ना, आप जानते हो। तो बीरबल और अकबर से बात, उन लोगों के बहुत ज्ञान का बात करते थे आपस में। एक दिन का टॉपिक था कि ये जो कामेच्छा है ये कब खत्म होती है, एक अकबर का प्रश्न था। बीरबल कहा कि महाराज कभी खत्म नहीं होती है। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अरे बुढ़ापे में कुछ काम नहीं करता है, शक्ति रह जाती है। कहा कुछ नहीं रहती लेकिन इच्छा बनी रहती है। तो अकबर हमेशा बीरबल प्रमाण देते थे, अकबर को प्रमाण चाहिए। लेकिन उनको हॉस्पिटल लेकर गए दिखाने के लिए। तो एक व्यक्ति मृतशैया पर पड़ा हुआ था और एक सुंदर नर्स जा रही थी, देख रहा था इधर से देख रहा था। तो बीरबल का देखा महाराज ये मरने वाला है फिर भी ये सुंदर लड़की की तरफ देख रहा है, और क्यों देख रहा है ये नहीं कह रहा है लेकिन देख रहा है। तो काम वासना ये जड़ेंद्रिय प्रति की ही नहीं होती है, आंख में भी काम वासना होती है, कान में काम वासना होती है, नाक में होती है, जिह्वा में होती है। ये तो त्वचा का काम वासना है जो सेक्स डिजायर के रूप में प्रणीत होता है, लेकिन आंख का काम वासना सुंदर वस्तुओं को देखने का, कान का काम वासना सुंदर चीज सुमधुर सुनने का। यदि ये इंद्रिया हम बस में न करें तो जड़े इंद्रिया दाहे का बड़ा खतरनाक है, कहीं भी गिरा सकती है इंद्रिया। प्रभुपाद जी का यह तात्पर्य है, बड़ा ही सारगर्भी तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ऐसा बात नहीं है कि हमें स्नान ज्वाइन कर लिए तो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है, कर्म नो भी है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा कभी कभी हम लोग सोचते हैं ऐसा कि हम लोग पर अप्लाई नहीं होता है, ये बाहर वाले हम के लिए है, ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये सार्वभौम है, ये सबके लिए तात्पर्य है। तो आज का श्लोक है, इस श्लोक में वृंदावन वास का क्वालिफिकेशन बताया गया है। वृंदावन कौन वास कर सकता है,
अल्लाह फाजिल कहते हैं विषय छाड़िया जबे शुद्ध होवे मन तबे हम भैरव श्री वृंदावन। वृंदावन वास वही कर सकता है विषय छाड़िया जबे शुद्ध होवे, जब इंद्रिय तृप्ति की भावना खत्म हो जाएगी और मन शुद्ध हो जाएगा। भावना खत्म होने की, वासना खत्म होने का एक चीज है, वासना न होना एक चीज है और वासना खत्म होने की इच्छा होना दूसरा चीज है। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हो न होना और वासना न रखना। जैसे कोई व्यक्ति अभी अभी भोजन किया है और खूब अच्छा प्रसाद उसके सामने ला दिया तो कहेगा कि मन नहीं कर रहा है खाने का, ही कहेगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वासना खत्म हो गई खाने की, अभी इच्छा नहीं करके पेट भर होता है इसलिए, लेकिन जब पेट खाली होगा तो खाने का मन करेगा। तो इच्छा न होना एक बात है और वासना दूसरी बात है। जो वासना खत्म हो जाएगी इंद्रिय तृप्ति की न करने की, तब हम वृंदावन रहने के काबिल हो सकते हैं, नहीं तो वृंदावन जा करके क्या क्या नहीं करते। हम लोग देखते हैं बहुत भक्त बम्बे छोड़ देते हैं, यहाँ जा छोड़ते हैं, वृंदावन जाते हैं और वृंदावन जा करके फिर वही रोटी कपड़ा मकान में लग जाते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा कठोर तात्पर्य दिए हैं कि वृंदावन जा करके स्त्री संग करना, विवाह करके जीवन यापन करना, वृंदावन में धन कमाना, ये सब सुअर और बंदरों के समान है। वृंदावन में बंदर भी रहे सुअर भी है, जब ये सब करना है तो बाहर करो, वृंदावन में आकर क्यों करने का। यहां पर इस तात्पर्य श्लोक में जयाति महाराज अपना उद्गार उतार रहे हैं, अपने पत्नी से बात कर रहे हैं। देखिए तस्मात् अहम् एता त्यक्त्वा ब्रह्मणि मानस आधाय निर्द्वन्द्वा निरहंकारं मृगेशः चरिष्यामि अहम् चरिष्यामि, मैं विचरण करूंगा। कहते मृगेशः, मृग का अर्थ होता है पशु जानवर और मृग का अर्थ होता है मृग भी। पशु लोग क्या चाहते हैं, खेत में छोड़ दिया जाए जंगल में छोड़ दिया, क्या चाहते हैं, क्या ढूंढते हैं वो लोग, हैं अपना चारा ना, आहार ढूंढते हैं। तो उनका लक्ष्य है आहार प्राप्त करना। वैसे ही जो वन में जाता है उसका लक्ष्य होना चाहिए वनम गतो यद हरिमा आश्रयेत, हरि का आश्रय ग्रहण करना, और दूसरा कुछ लक्ष्य नहीं होना चाहिए, भगवान का शरण ग्रहण करना ही एकमात्र उसका लक्ष्य होना चाहिए। जैसे पशुओं का लक्ष्य होता है भोजन प्राप्त करना, और दूसरा मृग का मतलब यदि हम हरिण से ले तो हरिण भी चलते हैं किसके लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनमें दो स्पेशल क्वालिटी होती है, एक क्वालिटी होती है कि वे झुंड में चलते हैं और दूसरा क्वालिटी होती है कि वे सतर्क रहते हैं, कहां खड़ा रहता है वो। भैंस चल रही है तो अकेले भी कहीं चली जाएगी, भैंस के आगे बैंड बजाओ भैंस करे पगुरा है, भैंस के आगे ना भी हॉर्न मारो उसे पता नहीं है, लेकिन हरिण को थोड़ा भी आवाज बाकी खतरा है जम करेगा, चाहे अन्य जितने एक हो सकते। तो हरिण से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों को वन में जा करके वृंदावन इत्यादि में अकेला निवास नहीं करना चाहिए।
करना चाहिए, और जब भी थोड़ा खतरा दिखाई पड़े वो हमारा अटैचमेंट तुरंत जब करना चाहिए, जैसे हरिण जब करते हैं। दूसरा तो मृग स्वभाव, मैं हरिणों के साथ में निवास करूंगा। तस्मात अहम एता तिक्तवा, कहते अहम तस्मात देयरफॉर, अब अपना कंक्लूजन बता रहे हैं, अपने पत्नी से कह रहे हैं, अपने पत्नी से कह रहे हैं कि देखो प्रिय, मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं। ब्रह्मचारियों के गृहस्थों के इस कंक्लूजन को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यदि सन्यासी और ब्रह्मचारी कंक्लूजन देगा तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान है लेकिन विज्ञान नहीं है। गृहस्थ यदि जाति दे रहे हैं तो विज्ञान के साथ दे रहे हैं, इनको अपना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है। इंद्रिया बड़ी बल होती है, इसको कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हे प्रिय, अब तुम भी मान जाओ, अब इंद्रिय तृप्ति को त्याग देना चाहिए, और तैयार भी हो गई थी कि तस्मा, इसलिए अहम मैं एता, मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना त्यक्त्वा, छोड़ कर करके ब्रह्मणी मानस आधाय, अपने मन को ब्रह्मणी यानी भगवान में लगाऊंगा। तो ब्रह्मणी शब्द का अर्थ समझना चाहिए कृष्ण में लगाऊंगा, और ब्रह्म में लगाऊंगा, निराकार में नहीं, साकार ब्रह्म का यहां पर बात कर रहे हैं। भगवत रूप, भगवत गुण आदि मनो निधान आदि इतिहास, यहां पर यह कहा गया है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में अपने मन को मैं अब लगाऊंगा, वृंदावन जाकर के और अपना मन भगवान के नाम लीला रूपों में लगाऊंगा, यानी कृष्ण में लगाऊंगा, निराकार ब्रह्म का भाव नहीं होता है। निराकार ब्रह्म में कैसे कोई लगा सकता है, कोई आकार नहीं है, तो आकार नहीं है तो कैसे उसका ध्यान कर सकते हैं, मन कैसे उसमें लगेगा। उन लोगों को प्रसाद भी नहीं मिलता है जो निराकार वाले भोगे नहीं लगाते तो कैसे मिलेगा प्रसाद, जो साकार वाले हैं उन भोग लगाते हैं ना, तब फर्स्ट क्लास प्रसाद खाते हैं भक्त लोग, भगवान को भोग लगा करके। निराकार कोई नाम नहीं है, वास्तव में निच स्तर के लोग हैं जो इस प्रकार से कहते हैं। तो यहां पर ब्रह्मणी का अर्थ समझना चाहिए कि श्याम सुंदर वेन्दन कृष्ण में अपने मन को मैं मानस मन को आधाय लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, यदि लगाऊंगा तो भी ज्यादा गर्मी भी लगेगा, उधर परिस्थितियां हैं, धूप भी लगेगा इत्यादि, तो कहते निर्द्वंद, ये सब कुछ छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। अब कहने से त्याग नहीं होता है, कह देना ठीक है मैं त्याग दूंगा, लेकिन वो प्रैक्टिस कर चुके थे, उनमें इतनी शक्ति थी, यानी जाड़ा गर्मी इत्यादि हमको इफेक्ट नहीं करेगा। प्रभुपाद निर्द्वंदी थे बचपन से, प्रभुपाद जी कभी गर्म पानी में स्नान नहीं किए, ठंडा पानी स्नान करते थे, चाहे जाड़ा हो गर्मी कभी ठंडे पानी स्नान करते थे। एक बार जब इलाहाबाद करते थे तो उनके मित्र थे डॉक्टर घोष, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि अरे बाबू आप ठंडा पानी में जाड़ा में क्यों स्नान करते हो, तबीयत खराब हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा यदि गर्म पानी में स्नान करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ठंडा पानी से मुझे फ्रेशनेस लगता है, मैं फ्रेश होता हूं। तो जाड़ा गर्मी निर्द्वंद, मतलब जाड़ा गर्मी सुख दुख भूख इत्यादि, ये निर्द्वंद है, और निरहंकार
अहंता और ममता, ये दोनों को त्यागना होता है। नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि कहते हैं यह कर्म फल त्यज्यति कर्माणि सन्याय यदि ततो निर्द्वंद्वो भवति। निर्द्वंद्वी कौन होता है? क्या होता है इसके लिए क्या चाहिए? किसका गाड़ी है? लोडर हटाइए। यह कर्म फल त्यज्यति, कर्म के फल को जो त्याग देता है, और कर्माणि विभिन्न प्रकार के कार्य कलापों से संन्याय संन्यास ले लेता है, त्याग देता है विभिन्न प्रकार के कार्य कलाप, चाहे पत्नी के प्रति हो, बच्चे के प्रति हो, समाज के प्रति हो, जो भी कर्म फल है इन सबको जो त्याग देता है तो निर्द्वंद्व होती, तभी वह व्यक्ति निर्द्वंद्वी हो सकता है। ये नहीं कि स्कैन ज्वाइन कर ले तो हम निर्द्वंद्वी हो जाएंगे। स्कैन ज्वाइन कर लिया पत्नी पुत्र परिवार में लगा हुआ है, वो कब? 50 साल के बाद। जो 50 साल के बाद भी अपने पत्नी पुत्र परिवार में लगा हुआ है तो निर्द्वंद नहीं हुआ है। प्रभुता है कि 50 साल का मतलब होता है 50 ऊर्ध्व वनम्रजे, 50 के बाद वन जाना चाहिए। 50 का है एक वन 51, द्वि वन 52, त्रि वन 53, समय वन आता है 51, 52, समय वन आता है तो 50 के बाद वन जाना चाहिए। इस शब्द को प्रभुपाद जी बहुत बार यूज किया, मैं फोलियो में देख रहा था, ऑलमोस्ट 38 टाइम यूज किए अलग अलग, 50 साल के बाद बन जाना चाहिए, बार रिपीट किए हैं लेक्चर में, पुस्तकों में इत्यादि। तो जब तक से निर्द्वंदी नहीं होंगे तब तक से भक्ति में मन स्थिर नहीं होगा, जब नाम जब ठीक से नहीं हो पाएगा, नाम जब करने के लिए निर्द्वंदी होना जरूरी है। कहते थे कि भाई ये नाम भगवान का नाम लो, चाहे हरे कृष्ण बिहारी, और जहां हरे कृष्ण बिहारी कोई नहीं हो रहा है तो हरे कृष्ण में तकलीफ नहीं है, तकलीफ हमें है कि हम निर्द्वंदी नहीं हुए हैं, निरहंकारी नहीं हुए, अहंकार से भरे हुए हैं। इसीलिए चेतन महाप्रभु शॉर्टकट कहते हैं दृढ़ाद भी सुनी चे न तरूर भी से सुना मान ना मान देना कीर्तन ये सुधा हरी। वही कृष्ण के नाम का कीर्तन कर सकता है जो अमान इना मान देना निरहंकारी हो गया है। संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, उनका पहला एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि निर्द्वंद और निरहंकार से दूर रहे। भगवान भी अर्जुन को यही सलाह दिए है, त्रैगुण विषयान वेदा नय त्रैगुण भवार्जुन निर्द्वंदो निस्तस्ते निर्योग क्षेम आत्मा। त्रैगुण विषयान वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन, हे अर्जुन प्रकृति के तीनों गुण से परे हो जाओ और निर्द्वंदो निस्तस्तो इस द्वंद से परे हो जाओ, विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ, निर्योग क्षेम, ये अच्छा हुआ है खराब हुआ है सबसे परे हो जाओ, तब तुम आत्मवान होगे, संत होगे। अली गीत में भगवान निर्द्वंद का के लिए कहते हैं, यानी उद्धव गीता में कहते हैं, संतो अनपेक्षा मच्चिता प्रशांता समदर्शिनः निर्ममा निरहंकार निर्द्वंद निःस्पृहा।
संत होते हैं, मैं कई बार बताया कि साधु और संत में भेद होता है। साधु उसे कहते हैं जिसका आचरण शुद्ध हो, और संत उसे कहते हैं जिसका हृदय शुद्ध हो। तो जो संत होता है वो इनके द्वारे जी सब्जी बना रहे हैं कि दाल बना रहे हैं, प्रभुपाद जी सामान्य नियम बताए, नींद आते तो खड़ा हो जाना चाहिए अपने आप, तो नींद चली जाए कुछ समय के बाद। तो जो साधु होते हैं उसका आचरण शुद्ध होता है, जो संत होते हैं उनका आचरण तो शुद्ध होता ही है लेकिन उनका दिल भी शुद्ध होता है, उनका दिल शुद्ध। तो संत का क्वालिफिकेशन यहां पर कहा गया है, संत जो संत व्यक्ति है कैसा है, अनपेक्षा, उसे कोई अपेक्षा नहीं रखती है, मां का कोई प्रणाम किया कि नहीं, हरे कृष्ण बोला कि नहीं, अपेक्षा नहीं रखती है। जब अपेक्षा है तो समझना चाहिए कि हम संत नहीं, तुरंत उपले खा लिया, हमको नहीं खिलाया, हम लोग संत कैसे बन सकते हैं, प्रसाद अपने झगड़ा दी डेली करेंगे। तो संत जो है इनसे परे होते, संत खाना मिला तो प्रसाद मिला तो भी ना मिला तो विराम का कोई खुश करते हैं, हम लोगों के लिए बहुत दूर जाना है। कहां तो चल रही है अभी के भागवतम के एक एक शब्द जो हैं बड़े तार भरित हैं, और हम लोगों को जो भी सीरियस सिंसियर भक्त है उसे अपने जीवन में इसे मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है संत बनना, दिल को साफ करना, जब दिल साफ होगा तब आत्म साक्षात्कार होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा, और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो फिर कोई दुख नहीं रह जाएगा। तो जो संत बनना चाहता है उसको छोटे छोटे चीजों से परे होना चाहिए, इसे कहते हैं ग्राम कथा। गांव में स्पेशली बिहार में मैं देखा और पटना से आ रहा हूं वहां क्लास नहीं लगे झगड़ा करने लगते और निगोटी लोग आर्गुमेंट करने लगते, वहां स्त्रियां बेचारे कुछ काम करती हैं, पुरुष लोग दिन भर बैठ करके बाल का खाल निकालते रहते हैं। एक लड़का था राघव, वो गीता का श्लोक जान, मैं प्रवचन कर रहा था तो वो गीता का श्लोक बोलने लगा। दूसरा जन बोला कि आप लोग श्लोक रटे हो, आपको मतलब मालूम नहीं है, मैं प्रवचन मैं कर रहा हूं तुम लोग कर रहे हो यार, सब है ग्राम कथा। एक ग्राम कथा थोड़े थोड़े बाद तीन को ताड़ बना देना। तो जो संत बनना चाहता है ऐसे प्रवृत्ति से हम लोगों को अलग करना पड़ेगा। हम लोग लिख सकते हैं डेली कि आश्रम में स्कान में क्या क्या तकलीफ है संत बनने में। संत बनने में तकलीफ है छोटा मोटा चीजों का अनपेक्षा। संत का पहला गुण है अनपेक्षा, कृष्णमति अनपेक्षा, उसका मति जो है निरंतर कृष्ण में लगा हुआ। अनपेक्षा कोई अपेक्षा नहीं है, और भगवान कहते मत चिंता, उसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। चित्त मतलब मन, चित्त मतलब बुद्धि, चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, चित्त मतलब सेंसे और चित्त मतलब हार्ट, सब कुछ उनके लगाना पड़ी कहते हैं। चित्त का इंद्रिया भी चित्त कहलाती है, मन भी चित्त कहलाता है, बुद्ध भी चित्त कहलाता है, बुद्धि भी चित्त कहलाता है, हमारी भावना क्या है वो भी चित्त कहलाता है, और दिल भी चित्त कहलाता है। तो इसका सब कुछ भगवान में चित्त मतलब प्राणा हो गए कदम्त मान अत्यंत सेंती चर मंत्र चर। फिर दुष्ट का दूसरा क्वालिफिकेशन है मच्छिता,
लेकिन पहले कहते हैं अनपेक्षा, अपेक्षा नहीं है किसी वस्तु की। तो ये सब क्वालिफिकेशन है जो संत बनना चाहता है, सही मित्रिय है, घर द्वार छोड़ करके भजन करने आया है, इसका ज्वाइन करना है। इसका ज्वाइन करने का मतलब है संत बनना। तो अनपेक्षा, मैं ये रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है नहीं कि मैं हो गया, हम भी उसी लाइन में है, लेकिन बार बार सुनने से कहने से कभी काम आ जाएगा। तो अनपेक्षा, मान अपमान का कोई अमान इनाम दे, कोई अपेक्षा ना हो, मत चिंता, भगवान में ही चित लगा हो, प्रशांत रूपेण शांत, नन विस्तर हो, विषम परिस्थितियां आए, कोई उत्साह भी देता है हम लोगों को, कोई डिस्टर्ब करता है, फिर भी शांत 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 रहना चाहिए। आखिर कोई हमको क्यों उकसाता है, हम कोई क्यों डिस्टर्ब करता है, ये हमारा कर्म फल है। वो तो बेचारा उकसाने के लिए आ गया है, डिस्टर्ब करने के लिए आ गया है, लेकिन कर्म फल तो हमारा ही है ना। यदि हमारा कर्म फल नहीं होगा तो वो कौन होता है हमको उकसाने वाला या डिस्टर्ब करने वाला। हम कहते हैं वो हमको परेशान कर रहा है, अरे क्यों परेशान कर रहा है, ये हमारा ही कर्म फल है। हमारे कर्म फल के चलते हम तो सफर कर भी रहे हैं, वो भी सफर करेगा, क्योंकि उसको पूरा कर रहा है, तो अभी कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी को परेशान करता है, कोई किसी का सामान जैसे उधर कर देता है, तो हमारा कर्म फल है जिसे उसने कर किया, और हमारे कर्म फल के चलते उसको सफर करना पड़ेगा क्योंकि उसने कर किया। सभी कर्म का फल भोगना ही पड़ता है ना, लेकिन दूसरा कर्म करता है, ये क्यों नहीं समझ लेते हैं कि हमारा ही कर्म फल है। जब यह समझ लें कि हमारा ही कर्म फल है तो उसका पैर धोकर के चरणामृत पान किए कि भैया हमारा कर्म फल तूने थोड़ा कम कर लिया, ले लिया अपने सिर पर तो ले लिया। जब ऐसी भावना रहेगी तब प्रशांत, तब शांत, तब डिस्टर्ब नहीं होंगे। जब समझेंगे हमारा ही कर्म फल है, कोई गाली दे दिया हमको, कोई धक्का मार दिया हमको, कोई आजकल जड़ा के तुम्हें चादरे खींच लिया, आजकल हमारे प्रशांत के साथ में लोग करते हैं चादर सीख देते हैं, तो प्रशांत को समझना चाहिए कि हमारा कर्म फल है, क्या करें हमारा चादर सीख लिया। चाहे जो मंगलार्थी नहीं आ रहा है, कोई जाकर एक बाल्टी ठंडा पानी पर डाल दे, होना था अपने मन से नहीं किया है, ऐसे होना था हमारा कर्म कर लेगा। यदि कोई ठंडा पानी डाल दो महाभारत हो जाएगा, लेकिन संत लोग होते हैं तुरंत पैर पकड़ लेते हैं, भैया दो धन्यवाद, मैं सो रहा था, तुमने अच्छा किया, क्या करना था प्रभु, ये भावना जगाना पड़ेगा। प्रशांत तब शांति होगी, लेकिन हम सोचे अरे वो पानी डाल दिया बदमाश है, ये है वो अभी तक गाली तो क्या झापा मार दो, तब कहा प्रशांत, तब विसर्ग हो गया ना, ये भी उसका कर्म था। भगवान कहते हैं कर्मणा गहना गति, कर्मणा गहना गति भगवान इसीलिए कहते हैं राजा रंजन। जब वो प्रशांत हो गया, वो शांत नहीं रहा, तो संत कहां से रह गया, वो शांत विसर्ग हो गया ना, तब जब हमारा ना, तो वो तो बेचारा तुम्हारा भला ही कर रहा है और तू झापट मार दो, एक और कर्म फल हो गया तुम्हारा, अरे तो खत्म हो रहा था, बीज बो दिया, एक तो खत्म हो रहा था, दूसरा बीज बो दिया, अब उसका भी फल होना पड़ेगा कभी।
मतलब कर्मणा गहना गति, यह बड़ा गहन गति है। आपने तो ठीक कहा, बहुत सही बात कहा कि ये भी लिखा था उसको, उसका काम तो खत्म हो गया, फिर आप पढ़ो आ गया ना, जब होगा ना पड़ेगा। इसीलिए संत लोग उसमें नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कहते हैं शांत समदर्शी ना। समदर्शी का दो अर्थ होता है, एक सबको समान देखते हैं, यानी सब में पोटेंसी देखते हैं कृष्ण के भक्ति का, कि सब कृष्ण का भक्ति करने के योग्य है। इसलिए संत लोग बिना भेदभाव को सबको कृष्ण भावना देते हैं। ये समदर्शी ही कर देते नारद जी, नारद जाकर सब लोगों को कृष्ण भावना का ज्ञान देते, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे कंस हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, सब ये है समदर्शी। और दूसरा समदर्शी का अर्थ सब में भगवान का दर्शन करना, सबका संबंध भगवान से है। तो संत ये देखते हैं और कृष्ण भावना को देते हैं समदर्शी का। निर्ममो निरहंकार, उनमें अहंता और ममता नहीं होती है। जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस व्यक्ति में अहंता और ममता होगी, वहां महाभारत जरूर होगा। द्रास ने ही कहा ना, मामका पांडव शैव, ये अहमता और ममता, संजय मामका ममता और पांडव अहमता, ममता और अहमता, ये मेरे है दूसरे का अहम ममेति। तो जहां पर ये रहेगा वहां महाभारत होगा। तो जिस भक्त में ये रहेगा वह भक्त हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, थोड़े थोड़े चित्त डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन संत लोग इससे परे होते हैं। निर्ममो निरहंकार और निर्द्वंद निःस्पृह, ये सब जुड़ा जुड़ुआ है, निर्द्वंद निःस्पृह, यही भालो यही मंद, ये है निर्द्वंद। और निःस्पृह स्पृह नहीं, कामना नहीं, जब कामना नहीं तो नहीं कर सकते कि अच्छा है खराब, इस संत का क्वालिफिकेशन है। कर्दम मुनि के विषय में भी ऐसा ही कुछ आया कि उनमें सेल्फ रियलाइजेशन उत्पन्न हुआ। कहते निरहंकृत निर्ममस्य निर्द्वंद्व संदृक्ष्वते प्रत्यक्ष प्रशांतति धीरः प्रशांतो उर्मिव उद्दधि। प्रशांतो उर्मी उद्दधि, समुद्र में खूब लहर उठते लेकिन कभी कभी ऐसा होता है समुद्र लहर उठने के लिए है, लेकिन कभी होता है शांत समुद्र हो जाता है। तो जो प्रशांत व्यक्ति धीर व्यक्ति है उस शांत समुद्र के समान है, जिस समुद्र हमेशा लहर आता रहता है लेकिन अब लहर नहीं आ रहा, जो प्रशांत हो जाता है और धीर कहलाता है। धीर तत्र न मुह्यति, वो घबराता नहीं है। तो निर्द्वंद्व निरहंकारम कह रहे हैं कि अभी कैसे हो गए हैं निर्द्वंद्व निरहंकार, यानी उनकी पत्नी वो भी पढ़ी लिखी भगत थी, कहीं आप कहीं जंगल में जाएंगे भजन करने के लिए, भूख रहेगा तो क्या करेंगे, कभी मेरा याद आया तो क्या करेंगे, तो ठोंक ठोंक करके उनको भजना चाहती थी। जैसे कुम्हार होते हैं घड़ा पकड़ा कर ठोकते हैं, ठीक है कि नहीं, उसमें कहीं क्रैक होगा तो आवाज आएगा, तो ठोंक रही थी मानो। तब तब कहते हैं निर्द्वंद्व निरहंकार, अब मैं निर्द्वंद से परे और निरहंकार से परे होकर के, तो कहते कि आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब कहते हैं चरिष्यामि अहम चरिष्यामि, मैं आचरण करूंगा, मैं चलूंगा कहां पर, मृगैः सह
उन लोगों के साथ में रहूंगा जिनका मन कृष्ण में लगा हुआ है। वन में जाऊंगा और मृगों के साथ में, मृग का संकर समझना चाहिए यहां पर, साधु संग, साधु संग करूंगा वन में जाकर के। और वही बात यहां पर प्रभुपाद जी बतलाए हैं कि सबसे अच्छा वन है वृंदावन, आज भी है उन लोगों के लिए जो विषय को त्याग करके वृंदावन वास कर, जिनमें वृंदावन वास की उत्कट लालसा हो गई। ये फैशन के लिए मैं कभी देखता हूं आजकल यंग लड़के वृंदावन चले जाते हैं और फिर करते क्या है, वही बंदरगिरी करना शुरू करते हैं। जब रोपए तब पा लेते हैं वृंदावन जाना, वृंदावन आई मीन आजकल आज का जो समावेश है वृंदावन का, वो वृंदावन के योग्य नहीं है। जब तक वृंदावन कॉन्शसनेस का डेवलप न करें, वृंदावन का मतलब क्या हुआ, जहां कृष्ण का नित्य निवास है, जब तक इसकी अनुभूति ना हो जाए तो फिर वृंदावन में जाकर क्या करेंगे। आजकल वृंदावन तो और डिस्टर्बेंस का कारण है, बल्कि बाहर भजन हो या वृंदावन भजन नहीं होगा। आजकल इतना दिल्ली वाले सेठ लोग गाड़ी लेकर के आते हैं, इतना बिल्डिंग बना दिए हैं, क्या क्या, पहले फिर भी वृंदावन था। जब सब लोग स्वामी गण थे वृंदावन में तो जाकर के खोज रहे थे, हे राधे ब्रजदेव के चरण ते, हे नंद दोस्त अपना, कहां हो आप लोग, खोज रहे थे। आजकल कहां खोजने जाओगे, कुछ आ ही नहीं रह गया। फिर भी आज तक पिता पहले गोवर्धन ठीक था, नंदगांव बरसाना ठीक था, वो भी अब धीरे धीरे पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, सब जगह बिल्डिंग बनते जा रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल चीज है, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं बॉम्बे रहता हूँ और कानपुर रहता हूँ, दोनों में बहुत अंतर होता है। बॉम्बे का कॉन्शसनेस बड़ा खतरनाक होता है और कानपुर सिंपल, वेरी गुड, आई लाइक हियर। ये कॉन्शसनेस यहाँ अच्छा लगता है, भगवान का चिंतन ज्यादा होता है। बॉम्बे में मोह माया ज्यादा है, माया नगरी है ना। अपनी एकांत में ही होती है। आप लोग वो कथा जानते हैं, वो पिंगला की, कि जब उसको देखने के लिए लड़के वाले आए थे तो घर में बेचारी के पास कुछ नहीं था, जल्दी जल्दी चावल कूट रही थी बनाने के लिए, तो उसके हाथ में चूड़ी था तो खड़क रहा था चूड़ी, तो समझे कि लोग सोचे कहते हैं गरीब लोग हैं क्या है, अभी वो होता है खाना बनाने के लिए चावल कूट रही है, तो तोड़ने लगी, तोड़ते 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 दो चूड़ी लगे, अभी आवाज आ रहा तोड़ दिया, एक हो गया आवाज। तो भजन वैसे ही होता है, दो रहकर पटाता रहेगा। दो का मतलब दो मत वाले, ये नहीं कि दो साधु लोग, दो संत जो है उनका मत एक ही होता है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ में रहने का मतलब हुआ कृष्ण भक्ति करना। जो संत है उनका मत एक होता है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कैसे है, व्यवसाय निगाह बुद्धि एक नंदन बहु शाखा ही अनंत अव्यवसाय। एक विषयी व्यक्ति हो और एक संत हो तो खटपटाता रहेगा, तो वहां पर अकेला रहना चाहिए। जब संत आगम हो, जब संतों के साथ में है, तब तो लाखों संतों के बीच में रहना चाहिए। परिचित महाराज लाखों लोग थे, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे लाखों के बीच में, क्योंकि सबका मन एक था, कृष्ण में लगा हुआ था। तो यहां पर वृंदावन वास करने का, यानी इस्कान में वास करने का, इस्कान भी वृंदावन ही है, वृंदावन से अभिन्न है। वृंदावन किसे कहते हैं, नारद जी कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे जोगिनां हृदये च मद भक्तौ यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वही निवास करता हूं जहां पर मेरे नाम का कीर्तन होता है, मेरे भक्त जहां मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। अपरेंटली दिखाए तो प्रभुपाद जी इस वृंदावन को छोड़कर के विदेश में गए, उनके लिए वही वृंदावन था, एक वहां पर कीर्तन करता है।
जहां पर कीर्तन होता है वही वृंदावन है। और इस्कान के गर्भ में कृष्ण का अवतार हुआ है, तो इस्कान जो है वृंदावन है। वृंदावन में कृष्ण आए थे, लीला किए थे, वैसे ही इस्कान में भी कृष्ण लीला कर रहे हैं भक्तों के साथ में, अपने नाम के साथ में। तो इस्कान में रहने का क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है इस तात्पर्य में, बड़े दस लोगों ने इस्कान में वही रह सकता है जो व्यक्ति त्यक्तवान, जो समस्त इच्छाओं को त्याग, तस्मात एतां अहम त्यक्तवान, विषय वस्तु की कामना जो त्याग सकता है वही इस काम में रह सकता है। विषय वस्तुओं के साथ में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, उनका डे लिखा हुआ है, आज नहीं तो कल जाएंगे। तो इस काम में रहना जिसको है उसे खूंटा बांध देना चाहिए, गांठ बांध देना चाहिए कि मुझे विषय वस्तुओं को त्यागना है। हो सकते का बाइक एक बाइक नहीं होता है, समय लगेगा, हो जाए। जैसे वो चोर का कहानी जानते हैं ना, कि वो चोर था, आ गया साधु बनने के लिए। तो डेली साधु लोगों का गठरी और कमंडल इधर का उधर करता था। वो क्या क्या कौन करता है, लेकिन पकड़ा क्या, तो कहा कि पहले मैं करता था चोरी, अभी करता हूँ हेरा फेरी, इधर का उधर करता हूँ, छूट जाए तो वहां तक ठीक है, लेकिन चोरी करना तो खराब। तो विषय वासना खत्म होगा, लेकिन उसको पालन करना, उसका पोषण करना, उसको बढ़ावा देना और का कामना रखना, वो उसका डेट फिक्स है इस काम से जाने का। जो इस काम में रहना चाहता है तो चाहिए एतां त्यक्त्वा, इन सबको त्यागना पड़ेगा। और दूसरा चार चीज बताया गया है, नहीं तो पांच चीज। एक तो विषय वासना की भावना को त्यागना, दूसरा भगवान में मन लगाना, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राधे राधे राधे, सेवा करना, साधु संग करना, भागवत कथा श्रवण करना, कीर्तन में नाचना गाना, मंगल आरती आना, ये सब उसी में आ जाएगा। ब्रह्मण आधाय मानस मन भगवान में लगाना विभिन्न प्रकार से, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा है निर्द्वंदी। अब दुविधा मंत्र होने, दुविधा में दोनों गए माया मिले नाम, दोनों में से कुछ भी नहीं, डिसाइड करो क्या करना है। दुविधा निर्द्वंद निहंकार, ये प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है इसका, यहाँ प्यूरिफाई होते हैं। तो यदि प्यूरिफिकेशन का समय आए तो उस समय ऑब्जेक्शन नहीं देना चाहिए। निरहंकार, अहंता और ममता को त्याग दें, चौथा हो गया। और पांचवा है चलिष्यामी मृगैः, हमेशा अच्छे भक्तों का संग करूंगा, उन भक्तों का संग करूंगा जिनकी मति कृष्ण में लगी, मत जीता, जो संत बनना चाहते हैं उनका ही संग करूंगा, अन्न का संग नहीं करूंगा। यही क्वालिफिकेशन इस काम में रहने का, यही क्वालिफिकेशन वृंदावन वास का। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? माइक और यहाँ पे हम सुन रहे हैं कि मतलब शर्मा ने मन नहीं किया।
इसमें कंफ्यूजन ही कहाँ है? बता रहे थे वो काशी में लॉर्ड शिवा बोलते हैं ओनली लिबरेशन, वो बैक टू गॉड हेड भेजते नहीं वहाँ पे। और हमें भी बोलते हैं कि एक कृष्ण का नाम तीन राम के नाम के बराबर है, तो फिर कैसे दोनों एक ही बात? चाहे राम का नाम हो चाहे कृष्ण का नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट है नाम लेना। प्रभुपाद जी करते हैं कि यदि आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो आप लोग किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करो, चाहे बीजेपी को ज्वाइन करो चाहे कांग्रेस को ज्वाइन करो, लेकिन पार्टी ज्वाइन करो, बिना पार्टी ज्वाइन किए नहीं भी बन सकते हो ना। तो वैसे ही चार संप्रदाय है, कोई एक पार्टी ज्वाइन कर लो। राम का नाम लेते हैं वो दूसरे संप्रदाय वाले रामानुजा वैष्णव, तो वही प्रमाणिक है, ऐसा बात नहीं प्रमाणिक है, तो फायदा होगा, चिंता मत करो। राम का महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य भगवान या सर्वशक्ति तत्रापित स्मरणीय काल एता कृपा भगवान मापी दैव सब में समान शक्ति है। चीनी का छोटा लड्डू हो चाहे बड़ा लड्डू हो, चीनी उसमें डाला हुआ है तो मीठा रहेगा। वो देखो कोई ज्यादा खा सकता है बड़ा कोई छोटा खाए, मीठा लगेगा दोनों चाहे छोटा कोई भी। राम का नाम हो चाहे कृष्ण का नाम, नाम लेना चाहिए। ये बात सही है कि विष्णु सब नाम ग्रहण किया गया है कि कृष्ण नाम जो है राम नाम से वरायते श्रेष्ठ है और मुक्तिदाता मुकुंद है, कृष्ण ही मुक्तिदाता है, तो इसलिए उनका नाम है मुकुंद। राम मुक्ति नहीं देते हैं, रावण को मारे तो रावण को मुक्ति नहीं हुआ, फिर जन्म लेना पड़ा। जब उसे सुबाग बंधवक्र बने और कृष्ण उनको मारे तब उनको मुक्त हुई, तो मुक्तिदाता कृष्ण है। भगवान राम इतना कर सकते हैं कि साकेत तक तो पहुंचा ही देंगे ना, इस संसार से परे जा सकते हो, वैकुंठ जगत में जा सकते हो, तो लेकिन गोलोक धाम जाना हो तो कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता हम चाहते क्या है, कृष्ण नाम में सब कुछ है और कुछ नहीं होते हैं। और कोई प्रश्न? प्रश्न वही करने चाहिए क्लास में बताया गया, तो उसके लिए फिर गैर चिन्ह करना पड़ता है। हरे कृष्ण, आपने बताया प्रवचन दो तीन क्लास से पिछली दो तीन क्लास से चिंतन करके रहना चाहिए एक बात को, कि अभी क्या चिंतन मतलब कि क्या अभी अपन को किस क्या हो रहा है क्या कैसे कोई क्या बता सकते कैसे करना चाहिए क्या होगा दिन भर करने के बाद शाम को आप बैठ करके डायरी अपना लिखो, दिन भर का यादगारी करो कि दिन में कितने बार मेरे भगवान का चिंतन हुआ और कितने बार भगवान का चिंतन हुआ, आप याद करो। तब एक आता है PMI, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट, PMI करो अपने चिंतन का, कितने बार मैं चिंतन किया, कितने बार भूल गया इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऑनेस्टली इंटरेस्ट होता है, ऑनेस्ट होना चाहिए, इसे हमारा भलाई होगा। मैं उदाहरण भी दिया था कि आज तो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और एक डायरी दी है उनको लिखने का क्या क्या खाया, कहते कुछ छिपाना मत क्योंकि आपके भलाई के लिए, छिपाओ तो भलाई कैसे होगा, तो जो खाओ लिख दो कोई बात नहीं, मिठाई खा लिया लिख दो मिठाई खाया कोई बात नहीं, लेकिन सब यथावत। तो हमें वैसे करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए डेली, भले ना लिखो आधा घंटा बैठ कर सोच लो कि क्या किया आज, क्या किया हमने, इससे भगवान का चिंतन हुआ कितना देर तक, ये सोचना भी कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये कन्फेशन भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का आया है। हरि हरि भले जन्म गोमायनु मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण पाया जानिया सुनिया कृष्ण खाइनु, ये भी कृष्ण कॉन्शियसनेस है। कब सोच तो रहे हैं,
कितने लोग सोचते भी थे यस आप थोड़ा वृंदावन जाने के पूजन करना होगा और वृंदावन जो नहीं रहते वो पूजन करने का बात अच्छा नहीं होता है आप बोला था वृंदावन जाएगा तो आप कुछ नहीं समझ रहा हूँ क्या बोल रहे तो वृंदावन जाने का मतलब वृंदावन का मूड क्रिएट करना है वृंदावन का वृंदावन बंदरगिरी नहीं करना लड़के के पीछे दौड़ना विदेश का पासपोर्ट बनाना रशियन लड़की शादी करना ये सब वृंदावन थोड़े है वृंदावन मूड नहीं है मैं देखता हूँ स्नान बहुत वृंदावन जाते हैं कि आपको विदेश बहुत लगाएंगे हमको वीजा दिलाएंगे अमेरिका जाने के लिए ये वृंदावन मूड है ये तो बंदरों का मूड है इंद्रिय तृप्ति की भावना रखना वृंदावन जाने से पहले वृंदावन मूड बनाना चाहिए और वृंदावन चार्ज है साधु संघ के लिए बस बैटरी चार्ज करने के लिए चार्ज करो आ जाओ वहां मतलब मैं जाओ तो अपराध होता है वहां का अपराध भी मल्टीप्लाई होता है और भक्ति मल्टीप्लाई होता है दोनों भाव बराबर है मतलब टके से भाजी टके से खा जाए दोनों बराबर है मतलब ऑल राइट आई थिंक टाइम पास जय श्री प्रभुपाद की जय श्री नाथ की जय